मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य कम होता है। इसमें हम देखते हैं कि मुद्रा स्फीति के क्या कारण हैं और मुद्रा स्फीति को किन उपायों के द्वारा हम रोक सकते हैं या उन्मूलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुद्रा स्फीति के क्या कारण, तो पहला कारण है हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन, चूंकि वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार बहुत अधिक सार्वजनिक व्यय करती है और सार्वजनिक व्यय कारण आय भी कम है, व्यय अधिक है, तो बजट घाटा, घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है और उस घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है। इस कारण से मुद्रा स्फीति का जन्म होता है। दूसरा कारण है विकास जनित दबाव। विकास करने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण करने के लिए इस कारण से भी सरकार जो है ऋण लेती है, नोट निर्गमन करती है, हीनार्थ प्रबंधन करती है, इस कारण से भी मुद्रा स्फीति का जन्म होता है। युद्ध जनित दबाव, यह मुद्रा स्फीति उन देशों में जो युद्धरत हैं वहां पर यह दृष्टिगोचर होती है। व्यापार नीति, यदि इस प्रकार की व्यापार नीति है जिसमें वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, स्वतंत्र व्यापार नीति है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार नियंत्रित नहीं कर रही है, तो इस प्रकार से भी मुद्रा स्फीति का जन्म होता है। उद्योग नीति, यदि उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, उनकी वस्तुओं जो उत्पादित वस्तु हैं उसकी कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो इस कारण से भी मुद्रा स्फीति का जन्म हो जाता है। सरकार की कर रोपण नीति, यदि सरकार करों को कम कर रही है, कम कर होने के कारण से लोगों की जो व्यय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो अधिक हो जाती है, इस कारण से भी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं, मुद्रा स्फीति का जन्म हो जाता है। प्रशासनिक शिथिलता, यदि देश की प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल है, भ्रष्टाचार है, तो जमाखोरी प्रोत्साहित होती है और जमाखोरी के कारण कृत्रिम कमी, वस्तुओं की कृत्रिम अभाव का जन्म किया जाता है, क्रिएट की जाती है और इससे जमाखोरी से वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्ति कम हो जाती है, पूर्ति को कृत्रिम रूप से कम किया जाता है जबकि उत्पादन में कोई कमी नहीं है। उत्पादन में कमी, अब उत्पादन में यदि कमी हो जाए, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, अति ओलावृष्टि, अति वर्षा, इस कारण से उत्पादन यदि कम हो जाता है, अब चूंकि मांग कम नहीं होती है, तो इस कारण से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा स्फीति का जन्म होता है। जैसे वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी के समय जब लॉकडाउन कर दिया गया, तो लॉकडाउन होने के कारण क्या हुआ कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, उत्पादन कम हो गया, किंतु मांग में उतनी कमी नहीं आई, तो इस कारण से वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ गई। तो ये उत्पादन में कमी, ये बिल्कुल अभी हम लोगों के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। दूसरे जो सेकेंड स्टेज में जब दूसरे लहर में भी लॉकडाउन लगाया गया, तो इसमें सरकार ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई कि उसने फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया। फैक्ट्री बंद होने से उत्पादन कम हो जाता, उत्पादन कम होने से वस्तुओं की कीमतें
बढ़ जाती है, लागत में वृद्धि, लागतों में वृद्धि से उत्पादक की मजबूरी हो जाती है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करना। तो इस कारण से भी लागतों में वृद्धि होने से वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, मुद्रास्फीति जन्म ले लेती है। और मांग में वृद्धि, यदि देश में निरंतर लगा जो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस कारण से मांग अधिक होती है, मांग अधिक होने के अब उसमें पूर्ति उतनी तीव्र गति से बढ़ नहीं पाती है, तो मांग और पूर्ति का संतुलन उत्पन्न हो जाता है, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है दूर करने के उपाय। पहला है नोट निर्गमन पर नियंत्रण। यदि अर्थव्यवस्था में उदार प्रवृत्ति से यदि नोटों का निर्गमन किया जाता है तो मुद्रा स्फीति का जन्म होता है। विश्व के कई देशों में इस प्रकार की स्थितियां आई कि बोरियों में नोट भर करके ले जाते थे और झोले में या जेबों में सामान लेकर के आते। दूसरा है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण से भी मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है। विमुद्रीकरण अभी हाल में ही भारत में 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए। साख के प्रसार पर नियंत्रण। यदि साख के प्रसार पर नियंत्रण कर लिया जाए, नियंत्रित साख का प्रसार किया जाए, तो भी मुद्रा स्फीति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। बजट में संतुलन। यदि संतुलित बजट बनाया जाए, क्योंकि बजट में जब असंतुलन होता है, बजट घाटा होता है, तो उसको पूरा करने के लिए प्रायः सरकारें नोट निर्गमन करती हैं, ऋण लेती है, देनदारी बढ़ती है, तो इससे क्या है कि मुद्रा प्रसार होता है। और यदि बजट संतुलित है तो उससे मुद्रा प्रसार नहीं होता। सार्वजनिक व्यय में नियंत्रण। सरकार को सार्वजनिक व्यय जो फिजूल खर्ची है उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि उसको नियंत्रित करेगी सरकार तो बजट घाटा नहीं होगा, संतुलित बजट होगा, मुद्रा स्फीति नियंत्रित होगी। ऋण पत्रों का विक्रय। सरकार को ऋण पत्रों का भी विक्रय करना चाहिए। जब देश में अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति हो तो सरकार को ऋण पत्रों का विक्रय किया जाना चाहिए। ऋण पत्रों के विक्रय का प्रभाव क्या होता है कि ऋण पत्र जनता खरीदती है, जनता खरीदती है तो उससे नगदी जो है उसकी जो तरलता है, जनता की तरलता कम हो जाती है, और जब तरलता कम हो जाती है तो उसकी मांग संकुचित हो जाती है। बचतों को प्रोत्साहित। यदि बचतों को प्रोत्साहित किया जाए, यानी ब्याज दरों में थोड़ी सी वृद्धि की जाए, तो लोग अपनी जो नगदी है, तरलता है, उसको बैंकों में जमा करेंगे बढ़ते हुए ब्याज से लाभ उठाने के लिए। इससे एक फायदा ये होगा कि जो उनकी अतिरिक्त मांग है वो नियंत्रित हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि को प्रयास करना चाहिए किसी भी प्रकार से, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, इन दोनों में सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्पादन वृद्धि का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुद्रा स्फीति मांग और पूर्ति के असंतुलन के द्वारा उत्पन्न होती है। सब्सिडी में वृद्धि। जो वस्तु की लागत है और विक्रय मूल्य है, उसके जो बीच का अंतर है, उसको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए। क्योंकि विकासशील देशों में या भारत में, भारत के संदर्भ में देखें तो गरीबी है, और निश्चित आय वर्ग के लोगों के लिए मुद्रा स्फीति बहुत ही घातक है या एक प्रकार की अदृश्य डकैती है। महंगाई भत्ता में वृद्धि। जितने भी निश्चित आय वर्ग के लोग होते हैं, मुद्रा स्फीति उनके लिए घातक है, तो मुद्रा स्फीति के जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए सरकार को महंगाई भत्ता, समय समय पर महंगाई भत्ता देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा, जिनका प्रयोग करके हम मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं।
किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति, अनियंत्रित मुद्रा स्फीति अदृश्य डकैती है, घातक है, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जमीन पे धाम करने की स्थिति में अनियंत्रित मुद्रा प्रसार एक बहुत बड़ा कारण है। तो प्रायः सरकार, सभी सरकारों का ये उद्देश्य होता है कि मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो। नियंत्रित मुद्रा स्फीति उत्पादक को प्रोत्साहित करती है उत्पादन वृद्धि करने के लिए। इस प्रकार से मुद्रा स्फीति के क्या कारण है और क्या उपाय है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है मुद्रा स्फीति के क्या कारण है और मुद्रा स्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।